गांधी इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गुजरात से आए मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गुजरात के सोमनाथ जिले से अपने जिले में लौटे मजदूरों को मुजफ्फरनगर जनपद के चरथौल कस्बे में स्थित गांधी इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया। गुरुवार को मजदूरों ने सही व्यवस्था न मिलने व भूखे होने का आरोप लगाया। सूचना पर भाकियों के वरिष्ठ नेता विकास पहुंचे और बाहर से आए मजदूरों से मुलाकात की, जिस पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें खाना नहीं दिया गया और वे सभी लोग अपने खर्चे पर गुजरात से यहां आए हैं, जबकि सरकार का कहना है प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने का खर्च सरकार देगी। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। इस पर भाकियो नेता ने अपने स्तर से खाने की व्यवस्था कराकर उन लोगों को खाना खिलाया और फोन द्वारा SDM को अवगत कराया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लेखपाल ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि मजदूरों को समय से खाना मिलेगा। ये हमारे भाई हैं यहाँ करीब 60-70 के, ये गुजरात में बड़ा कुछ व्यवसाय कर रहे थे, कुल्लू वल्लू जो भी कार्य करते होंगे, तो वहाँ से कल आए थे और वहाँ से आने में इन्होंने बेचारों ने अपनी ही निजी बस किराए पे की, अपने ही खर्चे थे, वहाँ से आए अब तक एक घूट किसी ने पानी तक नहीं पूछा। और अगर दावे करे जा तो दावे हो रहे कि हम बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ, ये लोग भूखे तिचाए हैं, इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है, कुंटे का बैन दिया पशुओं को, उसे भी टाइम पर घास पानी दे दे, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।